नमस्कार, मैं कपीश भल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर। बीते दिन कानपुर गांव में कुछ समाजकंटकों द्वारा खटीक समाज के लोगों के साथ ठाकुर जी के मंदिर पर जातिगत भेदभाव की घटना को अंजाम दिया गया। संबंधित घटनाक्रम को लेकर जैसे ही खबरों का प्रकाशन किया गया, खटीक समाज की उन्हीं स्वर्गीय रामीबाई के घर पर गांव के पंच, खटीक समाज के मोहतबीर व्यक्ति और पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में बैठक की गई, जिसमें ठाकुर जी मंदिर के पुजारी दिनेश वैष्णव, जगदीश डांगी, हेमराज डांगी, ओंकार डांगी, जिन्होंने की खटीक समाज के लिए मंदिर को बंद रखने का फरमान सुनाया था, वह भी आए और अपनी गलती को समस्त खटीक समाज के सामने स्वीकार किया और हाथ जोड़कर समाज से माफ़ी मांगी। साथ ही उन्होंने लिखित में दिया कि आगे इस तरह का कोई भी कृत्य खटीक समाज या अन्य किसी दलित समाज के साथ नहीं किया जाएगा। बीते कल जिस ठाकुर जी के मंदिर पर ताले पुजारी दिनेश वैष्णव, जगदीश डांगी, हेमराज डांगी और ओंकार डांगी ने बंद कराए थे, आज वही लोग आगे दरवाज़ा खोलकर खटीक समाज के लोगों को सम्मान ठाकुर जी के मंदिर में दर्शन करवा रहे थे। क्योंकि यह कृत्य कुछ समाजकंटकों द्वारा किया गया था और जिसका दोष किसी वर्ग या जाति विशेष को नहीं दिया जा सकता, इन भावनाओं को लेकर गांव में सर्वधर्म सद्भावना और भाईचारे का माहौल बरकरार रहे, इसलिए खटीक समाज ने माफीनामे को दिल से स्वीकार किया। साथ ही खटीक समाज ने सभी ग्रामवासियों के सामने इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए सबसे इसने समरसता में रहने का निवेदन किया। हे गणी दीदी, मंडी थोड़ी है कि यार।